एक पर्सन भी हो घर में अवेलेबल तो भी आप खिचिया पापड़ बहुत आसानी से बना सकते हैं। और अभी आप देख रहे हैं कि मैं और मेरी मदर यहाँ पे हम दोनों ही हैं और हम दोनों खिचिया पापड़ बहुत आसानी से बना रहे हैं। और देख सकते हैं हमने 8 इंच की पापड़ी डाली थी और ये फुलके काफी 9 इंच का बड़ा पापड़ हो चुका है। मित्रों, आपको भी अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो हम पूरी माहिती देंगे किस तरह से आप इसको बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी क्रंची हमारे पापड़ बने हैं। आप अगर ये बिजनेस कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद रहेगा। तो ये हमारा खिचिया बनाने का मशीन है। इसमें पहले हमें सादा पानी बॉइल करने के लिए रखना होता है 5 से 10 मिनट। उसके बाद इसमें हमें साबुदाना डालना होता है कि मैंने मशीन नीचे से रोटेट करना स्टार्ट कर दिया है जिससे हमारे मसाले अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब ये जीरे का पानी अंदर डाला है मैंने। उसके बाद जो मसाले होते हैं जैसे कि ये पापड़ खार है, ये अजवाइन अगर आप डालना चाहो तो अजवाइन भी डाल सकते हैं। उसके बाद ये नमक पापड़ खार है। उसके बाद अभी हरी मिर्च की पेस्ट भी हम डालेंगे और इस मिक्सचर को 5 से 10 मिनट तक और उबाल आने देना है जिससे कि हमारा खिचिया अच्छी तरह बन जाए। तो ये हरी मिर्च की पेस्ट है और इस मशीन को कंटिन्यूस रोटेट करते रहना है जिससे कि मसाले काफी अच्छे से घुल जाए। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पानी में काफी अच्छा उबाल आ गया है, काफी अच्छा कलर पकड़ लिया है हमारे पानी ने। अब हम इसमें चावल का आटा डालेंगे। तो ये करीबन 5 किलो तक का चावल का आटा है जो हमने अभी डाला है। अब 2-3 मिनट के बाद ये चावल का आटा पानी में और मसाले में अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कितना स्मूथ टेक्सचर का हमारा खिचिया बन के रेडी हो चुका है। इसकी कैपेसिटी 10 किलो की है लेकिन अभी हमने 5 किलो का ही आटा बनाया है। मैक्सिमम 10 किलो तक का भी आप इसमें खिचिया बना सकते हो। तो आप देख सकते हैं कि हमारा खिचू अब रेडी हो गया है। अब हम इसको बर्तन में निकाल लेंगे। इसमें हमने पहले सादा पानी डाले, उसके बाद चावल का आटा और फिर जो मसाले लगते हैं जैसे कि जीरा है, अजवाइन है, साबुदाना है, पापड़ खार है, उसको डालने के बाद आप देख सकते हैं कि कितना स्मूथ टेक्सचर का खिचू बन के हमारा रेडी हो चुका है। इसके बाद हम जानेंगे कि जैक्सन के खिचिया पापड़ मशीन में से खिचिया पापड़ दो ही लोग किस तरह से बनाते हैं। खिचिया पापड़ बनाने का मशीन है। यहाँ से पहले ये खिचिया डालने का होता है, उसके बाद यहाँ आगे से एक पतली शीट निकलती है। ये खिचिया डालने के बाद आप देख सकते हैं अच्छी पतली शीट निकलती है। ये शीट फिर यहाँ पे जाके कट जाती है और उसके बाद हमारा पापड़ बनके रेडी होता है। इसमें डिफरेंट टाइप्स की डाई होती है। ये हमने अभी 8 इंच की ज्वाइन करी हुई है। अगर आपको छोटा पापड़ बनाने का हो तो आप छोटी डाई भी यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे एक स्पीड कंट्रोल ज्वाइंट होता है जिससे कि आप स्पीड ज्यादा या कम कर सकते हैं। और अगर एक पर्सन भी हो घर में अवेलेबल तो भी आप खिचिया पापड़ बहुत आसानी से बना सकते हैं। और अभी आप देख रहे हैं कि मैं और मेरी मदर यहाँ पे हम दोनों ही हैं और हम दोनों खिचिया पापड़ बहुत आसानी से बना रहे हैं। यहाँ पे ये ट्रे ज्वाइंट होती है। यहाँ पे आप बड़ी आसानी से वेस्टेज कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये स्क्रू ज्वाइंट होते हैं जिससे कि आप खिचिया पापड़ ज़्यादा या पतला कर सकते हैं। और ये घर में आसानी से घर की बिजली पे चल जाता है क्योंकि इसकी मोटर 0.5 HP की ही है और इसका लाइट बिल भी ज़्यादा नहीं आता, इसका कोई मेंटेनेंस भी ज़्यादा नहीं है। हम पिछले 6 महीने से ये मशीन चला ही रहे और हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है इसमें। आप रोज कितना किलो प्रोडक्शन करते हैं आप? हम डेली हम 40 से 50 किलो पापड़ का प्रोडक्शन करते हैं और इसकी कैपेसिटी तो एक्चुअली 50 किलो तक की है और कोई भी दिक्कत नहीं आती। हम दिन के 40-50 किलो पापड़ तो बड़ी आसानी से बना लेते हैं। ओके, कितने लोग लगते हैं मशीन को चलाने के लिए? खिचिया पापड़ बनाने में तो आराम से 2 लोग हो तो भी चल जाता है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती क्योंकि एक पर्सन यहाँ पे ये खिचिया प्रेस करता रहता है और एक पर्सन यहाँ से डायरेक्ट खिचिया लेता है। ये कौन से आटे का खिचिया बना हुआ है? ये चावल के आटे का है, प्योर चावल के आटे का खिचिया बना हुआ अच्छा, है। अच्छा, चावल के आटे का। हाँ। इसमें और क्या क्या डाला हुआ है? इसमें हमने जीरा, अजवाइन, साबुदाना, पापड़ खार, नमक आदि मसाले डाले हुए हैं। अच्छा, हमारे व्यूअर्स को बताइए कि इसको फ्राई करके कैसा रिजल्ट आता है। तो हमने छोटी एक कढ़ाई लिया है, उसके अंदर तेल डाला है और हम इसको फ्राई करके अभी दिखाएंगे उसका कैसा रिजल्ट आएगा। इसी तरह से तेल में खिचिए पापड़ को डुबा देना है ताकि ये कम्प्लीटली फूल जाएगा। इसे आप तल के भी खा सकते हैं और सिक के भी ये पापड़ को खा सकते हैं। आपने देखा दोस्तों कितना छोटा खिचिया पापड़ हमने डाला था और तेल में तलने की वजह से खिचिया पापड़ कितना बड़ा बन गया है अभी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये बिजनेस और कैसा लगा आपको जैक्सन का खिचिया पापड़ मेकिंग मशीन? दोस्तों अगर अच्छा लगा है तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, आपके घर पे हम डिलीवरी कर देंगे। और अगर लाइव देखना चाहते हो तो आप हमारी फैक्ट्री पे आ सकते हो, आप हमको कॉन्टेक्ट करके पूरा एड्रेस प्राप्त कर सकते हो। कंपनी पे आप आइए, वेलकम, आपको पूरा डेमो यहाँ पे दिखाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि पापड़ी इस टाइप से काफी क्रंची बनती है और देख सकते हैं हमने 8 इंच की पापड़ी डाली थी और ये फुलके काफी 9 इंच का बड़ा पापड़ हो चुका है।
आप चाहो तो मशीन को साथ में भी ले जा सकते हो, अदरवाइज हम आपके यहाँ पे बुक कर दो, हम आपके घर पे भी पहुँचा देंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितनी क्रंची हमारे पापड़ बने हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।